टीकू राम जी यहाँ पर हैं, तो चूंकि फिजिकल मार्केट प्लेयर्स और ब्रोकिंग हाउसेस दो वो रास्ते हैं जहाँ से पार्टिसिपेशन भी आनी है और जहाँ से लिक्विडिटी भी आनी है। तो युवराज जी, पार्टिसिपेशन एक इम्पोर्टेंट टूल किसी भी प्रोडक्ट को रन करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए, आप इस प्रोडक्ट को और सेक्टरल इंडेक्स को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि आपने इक्विटी मार्केट के भी इंडेक्सेस को देखा है और वहां पर भी लिक्विडिटी को आपने एंजॉय भी किया है। अब एग्रीकल्चर के अंदर में एक डिफरेंट सिनेरियो, एक डिफरेंट बॉल गेम, यहाँ पर आप इसको कैसे देखते हो? और सेक्टरल इंडेक्स एग्रीकल्चर के अंदर पर्टिकुलरली उसको आप कैसे देखते हो और क्या लगता है ये किस तरीके से आपके लिए गेम चेंजर का काम कर सकता है? Thank you, Suresh ji. First of all, thank you all the panelists and welcome to all the attendees. I hope everybody is safe and vaccinated, first of all. And to set the background ek set karne ke liye, main batana chahunga ki aaj hamare desh mein around 60-65% population jo hai wo based on agriculture hai. And जैसा कि अजय जी ने भी कहा कि हमें हमें एज एन एसेट क्लास देखना बहुत जरूरी है कि हम जब फिजिकल कमोडिटी खरीद सकते हैं तो हम क्यों नहीं उसी चीज को डिजिटली खरीदे, तो हम क्यों नहीं करें? तो डेफिनेटली स्कोप बहुत है। और दूसरा, अगर हम एक रेफरेंस देखें तो आज जब यूएस मार्केट्स के अंदर वेदर पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लाइव कैटल पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कैटल फीड तक भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इंडिया तो अभी सिर्फ स्टार्ट किया है। एंड एनसीडीएक्स ने बहुत ही अच्छा एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव रहा है। एनसीडीएक्स हमेशा से पायनियर रहा है हर चीज को एक नए से नए इनिशिएटिव लेने में। एंड अगेन हम क्योंकि एज ब्रोकर कनेक्टेड है रिटेल इन्वेस्टर्स से भी, एंड वहां से भी हमें फीडबैक ये कंटिन्यूसली मिलता रहा है कि एग्री मार्केट को जो है वो बहुत ही नीच सेगमेंट मानते हैं। पूरा इंडिया रिटेल इन्वेस्टर जो है वो एग्री मार्केट को नीच सेगमेंट मानता है। वो ये मानते हैं कि एग्री मार्केट से दूर रहे, वो ये नहीं समझते कि एग्री मार्केट से दूर रहने की कोई नीड है नहीं। और इसी ब्रिज को जो है वो गैप फिल करने के लिए एनसीडीएक्स ये बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा है, क्योंकि आज उन्होंने सेक्टोरल इंडेक्सेस लॉन्च किए हैं अभी, एंड कंपोजिट इंडेक्स भी चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है अभी। एंड मतलब ना कोई इसके अंदर फिजिकल डिलीवरी का ऑब्लिगेशन है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए किस तरीके से बेनिफिट है, तो उसके अंदर में एक तो इसके अंदर में मार्जिन की अगर बात करें, आज हम एज अ ब्रोकर मैं मार्जिन की सबसे पहले बात करता हूँ, तो मार्जिन और अंडरलाइन कमोडिटीज की बात करें और कंपेरेटिवली जो ये प्राइसेस है तो इनके सेट मार्जिन है, इनके अंदर में कोई भी नियर एक्सपायरी मार्जिन होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मार्जिन होते हैं, इस तरीके की कोई भी चीज नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास में पोर्टफोलियो अपना थोड़ा छोटा है, इन्वेस्ट करने को अमाउंट थोड़ा कम है, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। सेकेंडली आज हम देखें तो टर्नओवर चार्जेस या रिस्क मैनेजमेंट फीस वगैरह में वेवर्स ला करके एनसीडीएक्स इसको और भी ज्यादा बूस्टअप कर रहा है पार्टिसिपेशन, तो अगेन इट इज बेनिफिशियल फॉर द रिटेल पार्टिसिपेशन। एंड देन थर्डली हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा टूल है। एक मतलब इसके अंदर में हेजिंग के लिए ये कहेंगे कि ये रोल ओवर करने के बाद में ये लास्ट दिन तक भी आप अपने पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन का कोई डिलीवरी का ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वहां से भी रिटेल इन्वेस्टर काफी हद तक कवर्ड है। तो और फिर दूसरी बात करें तो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी, जैसे कि अरुण जी ने भी कहा, आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बहुत है। इसके अंदर में एल्गो ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक नया पूल मिलता है, प्राइस डिस्कवरी बेटर होती है, जिस 70-30 के रेशियो में अगर हम बात करें तो अंडरलाइन कमोडिटी वर्सेस इंडेक्स के अंदर में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी बहुत देखी जा सकती है। एंड ये सिर्फ एनसीडीएक्स की नहीं, बीइंग मेंबर ब्रोकर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्रचार होना चाहिए एंड जो नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए, जैसे अजय जी ने भी बोला कि आज इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि वो नॉलेज गैप बहुत ज्यादा है, तो ये अगेन एनसीडीएक्स के साथ साथ में हम मेंबर ब्रोकर्स भी इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि डिलीवरी सेंटर्स जो है मेजर जयपुर हो गया या जोधपुर हो गया, तो इस जगह पर
ग्रासरूट लेवल पे इसकी मार्केटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा वर्ड स्प्रेड हो, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा पार्टिसिपेशन जितना आएगा उतना ही सारे पार्टिसिपेंट्स को फायदा होगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो 100% बहुत ही अच्छे टूल है ये, एंड नॉट जस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स, ये फार्मर्स हो चाहे कोई भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हो, सभी के लिए काफी अच्छे टूल है। देखिए जो आपने चीज कही कि इन्वेस्टर्स अक्सर मतलब लोगों को ये कहा जाता है कि एग्री से दूर रहे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया है पूरे एक्सपीरियंस के रूप में, कि लोग ये कहते हैं कि कम्युनिटी मार्केट से दूर रहो, ठीक है, तो वो एक जो पिक्चर जो बनी हुई है माइंड के अंदर में, क्योंकि जो अपने हाथ जलाए थे उसने कहीं ना कहीं दंड दिया है, और शायद यही एक रीजन है जो अजय जी ने भी बात उठाई, जो लैक ऑफ नॉलेज इसी वजह से शायद रहा कि लोगों ने अपनी दूरियां बढ़ा ली, एक्सचेंज को समझने के बजाय उन्होंने अपने आप को इससे दूर करना शायद बेहतर समझा होगा।